नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। कहलगांव बाजार की बेहद ही शर्मनाक घटना का खुलासा हुआ है। कहलगांव के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा को तीन मनचलों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। शातिर मनचला इतना बेखौफ था कि सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद भी शहर में घूम रहा था। पीड़िता के परिजनों द्वारा शिकायत करने पर एनटीपीसी पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। 25 अगस्त दिन मंगलवार, एसएसपी कॉलेज के भी पार्ट 2 की एक छात्रा आर्मी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करने कॉलेज गेट के समीप आनंद साइबर कैफे पहुंची। कैफे संचालक कृष्णदासपुर निवासी आनंद कुमार ठाकुर ने छात्रा का ऑनलाइन आवेदन कर दिया और अगले दिन रिसीविंग लेने के लिए छात्रा को आने के लिए बोला। 26 अगस्त दिन बुधवार, छात्रा रिसीविंग के लिए साइबर कैफे पहुंची, लेकिन वहां आनंद नहीं था। फोन कर संपर्क करने पर उसने छात्रा को चेत्रियापीर स्थित एक मकान पर बुला लिया। छात्रा जब वहां पहुंची तो पहले से वहां आनंद का दो अन्य दोस्त गोसाई गांव नवगछिया का शशांक परासर उर्फ मिठुन कुमार और कहलगांव थाना क्षेत्र के भूसकाचक निवासी खुशीलाल रजक मौजूद था। उन लोगों ने छात्रा को बैठने के लिए बोला और पीने को ठंडा दिया। ठंडा पीने के बाद छात्रा को चक्कर आने लगा और वह वहां लेट गई। नींद से जागने के बाद छात्रा ने अपने आप को आपत्तिजनक स्थिति में पाई। इस समय तक तीनों मित्र वहीं मौजूद था। इस घटना की जानकारी छात्रा ने अपने परिजनों को घर जाकर बताया। छात्रा के परिजन ने तत्परता दिखाते हुए उसी रात एनटीपीसी थाना में उन तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। 27 अगस्त दिन गुरुवार, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी एसडीपीओ डॉक्टर रेशु कृष्णा ने लड़की का मेडिकल जांच करवाया और आरोप की समीक्षा की गई। 28 अगस्त दिन शुक्रवार, जांच रिपोर्ट आने के बाद सिविल ड्रेस में टीम बनाई गई और तीनों आरोपी को आनंद कैफे से ही अपनी हिरासत में ले लिया और त्वरित कार्यवाही करते हुए 29 तारीख को भागलपुर जेल भेज दिया। स्थानीय सूत्रों की माने तो पीड़ित छात्रा कहलगांव के आसपास के क्षेत्रों के ही रहने वाली है और ये तीनों मनचला इसके पूर्व भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है, लेकिन लोक लाज के भय से लड़की कहीं अपने मुंह नहीं खोलती थी और ये बच जाते थे। लेकिन इस बार छात्रा ने हिम्मत दिखाई और तीनों मनचला पुलिस के शिकंजे में जाकुरा गया। कहलगांव से परशुराम शर्मा की रिपोर्ट। जब लौटा तो बोलिए नाश्ता कीजिएगा, उसके साथ नाश्ता किए। ठीक, नाश्ता करने के बाद 5 मिनट के बाद मेरा सर चकराने लगा। अच्छा। बोले कि चलिए रूम में बैठिएगा, उसमें कुछ नशा मिलाई गई होगी इसलिए ना मेरा सर चकरा। बाद गए रूम में, जब बैठे तो वहाँ देखे कोई लड़का बैठा हुआ था। बाद क्या हुआ उसके बाद मालूम नहीं, पूरा हम बेहोश हो।